सांगानेर सदर इलाके में मंगलवार को हुए बच्चे के अपहरण का पुलिस ने मात्र 9 घंटे में खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। अपहरण की इस घटना को अंजाम देने वाला कोई और नहीं बल्कि बच्चे का परिचित ही निकला। उसने फिरौती की रकम से अपना कर्ज चुकाने की योजना बनाई थी। घटना के बाद अपहरणकर्ता बच्चे को कार में बास खो ले गए थे। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और मोबाइल लोकेशन के आधार पर तुरंत कार्रवाई करते हुए रात करीब 1 बजे 2 अपहरणकर्ताओं को धर दबोचा। उनके निशानदेही पर बच्चे को एक कमरे में सुरक्षित बरामद कर लिया गया। बच्चे को बंधक बनाकर उसके हाथ पैर और मुंह कपड़े से बांध दिए गए थे। पुलिस ने अपहरण में इस्तेमाल की गई कार को भी जब्त कर लिया है, जबकि 2 अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। थाना अधिकारी पूनम चौधरी ने बताया कि मुख्य आरोपी सचिन मीणा, जो कि मौज मस्ती का शौकीन है, उस पर भारी कर्ज था। इस कर्ज को चुकाने के लिए उसने अपने परिचित रामलाल मीणा के नाबालिग बेटे का अपहरण कर फिरौती मांगने की योजना बनाई। सचिन को पता था कि रामलाल रेलवे में नौकरी करता है और उसके पास पैसे हैं। साथ ही वह जानता था कि रामलाल का बेटा 7 बहनों में सबसे छोटा और इकलौता भाई है, इसलिए फिरौती मिलने की संभावना अधिक थी। पुलिस अब वारदात में शामिल अन्य आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। ये एक बच्चा था 12 साल का, दिलखुश मीना, उसका अपहरण हुआ था शाम को करीबन 4:35 के। किसी ग्रामीण ने ही मुझे फोन किया था। उसके बाद हमने जयपुर कमिश्नरेट में दौसा नाका और ये जयपुर ग्रामीण टोंक निवाई यहाँ नाकाबंदी कराई। 5 टीमें अलग अलग दिशा में रवाना की, कुछ संदिग्ध थे उनसे पूछताछ की और इसमें एक नाम आया सचिन मीना, जो पीड़ित परिवार का ही जानकार था। तो उससे जब उस टेक्निकल एनालिसिस किया गया तो घर वालों ने बताया सचिन मीना के उस समय परिवारजन थाने पर ही मौजूद थे जब थाने का घेराव हो रहा था और वो रेगुलर कॉन्टैक्ट में था। तो सचिन मीना ने घर वालों को, पीड़ित परिवार को ये समझाइश भी की कि आप टोंक रोड जाम कर दो। तो उन्होंने ये कोशिश भी की थी, टोंक रोड जाम भी किया और लगातार पीड़ित परिवार को भी वो गुमराह कर रहा था। पर जब उसको ट्रैक किया गया तो पता चला कि उसका मूवमेंट दिल्ली रोड, आगरा रोड की तरफ है, पाटन रोड पर। और चारों आगे भी जब नाकाबंदी बढ़ाई, 2-3 टीमें पीछे उसका पीछा किया तो बास्कों के पास नाकाबंदी के दौरान वो पकड़ा गया अपने एक साथी अशोक मीना के। अशोक मीना ने ही उसका, दोनों ने मिलकर अपहरण किया था। दोनों से जब सख्ती से पूछताछ की गई कि बच्चा कहाँ है तो उन्होंने बताया कि बास्कों में ही बच्चे की बहन का जो घर है, किराए का मकान है, उसी में ये बच्चा वहाँ उन्होंने रखा है। बच्चे को बड़ी विभत्स कंडीशन में रखा गया था तो शायद अगर थोड़ी देर हो जाती तो दम घुटने से या किसी और कारण से बच्चे की कोई दुर्घटना हो सकती थी। अभी बच्चा सकुशल है।